आज हम बनाएंगे एक 3D प्लांट का मॉडल, जिसके लिए मैंने ले ली है पहले A4 साइज की शीट टू मेक द स्टेम। एंड ये जो शीट ली है मैंने, ये पैरट ग्रीन कलर की है। आप लोग वाइट भी ले सकते हैं एंड उस पर ग्रीन कलर कर सकते हैं। आप लोग डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं, मतलब ग्रीन के शेड्स भी ले सकते हैं आप लोग। इसको मैं रोल एंड रोल एंड रोल कर रही हूँ एंड इसका जो एंड वाला पॉइंट है उसको मैं ग्लू से स्टिक कर दूँगी। उसके बाद मैंने ले ली है पैरट ग्रीन कलर की शीट एंड उसको फोल्ड कर दिया है हाफ में। एंड अब हम लोग बना रहे हैं लीव्स। सो लीव्स की जो स्टेम होती है, लीव्स की सपोर्ट के लिए भी स्टेम होती है, उसको भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एंड जहाँ पर मिस्टेक हो रही है मैं वहाँ पर इरेज कर रही हूँ। लीव्स बना रही हूँ मैं, एक स्टेम में मैं 3 लीव्स बना रही हूँ। अगर आप लोग बड़ा मॉडल बना रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा लीव भी अटैच कर सकते हैं, ज़्यादा लीव शो कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने अपनी लीफ को, अपनी स्टेम को शो कर दिया है। एंड अब इसको मैं कट कर दूंगी सीजर की हेल्प से। जब हम लोग अपने फोल्ड हुए लीव्स खोलेंगे तो ये पूरी शेप एक दे देगा हमें। यही हमारा मकसद था फोल्ड करके करने का, बिकॉज़ एक लीव अगर बड़ा छोटा हो जाता है एक साइड से तो वो अच्छा ना लगता, इसलिए हम लोगों ने फोल्ड करके किया है ताकि दोनों ही शेप्स एक जैसी हों, इक्वल हों। एंड अब मैं डार्क ग्रीन कलर की हेल्प से इसमें थोड़ी सी शेडिंग दूंगी लीव्स में। आप लोग शेडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। एंड इस तरह से मैंने लीफ पे शेडिंग कर दी है। अब मैंने ग्लू अप्लाई की है इसके जस्ट लोअर पार्ट पे एंड अपर पार्ट पे भी मैं ग्लू अप्लाई करूँगी, बिकॉज मैं पूरे स्टेम पे अप्लाई नहीं करूँगी ग्लू, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस पर एयर का इफेक्ट देना है ताकि ये हिले एंड थोड़ा सा रियल इफेक्ट लगे। एंड इसके लोअर पार्ट को मैं स्टेम के साथ अटैच कर दूँगी एंड अपर पार्ट को भी, ताकि वो इतना भी ज़्यादा हिले ना, थोड़ी सी सपोर्ट के लिए मैं उसको भी अटैच कर दूँगी। इसी तरह के मैंने 3 लीव्स बनाए हैं और उसको अपने स्टेम के साथ अटैच कर दूँगी। ज़्यादा लीव्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पूरी एक लीव्स की जो है स्टेम टाइप बनाई है, सो हमें इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 3 में ही हमारा काम चल सकता है। उसके बाद मैंने ले लिया रेड शीट एंड एक इस तरह का किसी भी बॉटल का कैप ले लें आप लोग एंड सर्कल्स बनाने हैं जितने भी आप लोगों को फ्रूट्स चाहिए। ये सर्कल्स जो मैं बना रही हूँ ये हमारे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रूट्स को। सो फ्रूट्स आप लोग किसी भी कलर के बना सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर टोमेटो बना रही हूँ, आप लोग कोई और फ्रूट भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने पतली सी स्टेम बनाई है अपने फ्रूट को सपोर्ट देने के लिए एंड उस पर मैं जस्ट अपर पार्ट पे उसके ग्लू अप्लाई करूँगी एंड अपनी स्टेम के साथ अटैच कर दूँगी। इस तरह के मैंने 3 फ्रूट्स बनाए हैं, 3 सर्कल्स बनाए थे, तो इसी तरह से 3 फ्रूट्स भी हमारे बन गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इजीली हमारे फ्रूट्स बने हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये प्रोसेस। सारा प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा इजी है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट काफ़ी ज़्यादा इजी है ये। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे भी इसे बनाने में। ये मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट है एंड इसका साइज़ मैंने नॉर्मल ही रखा है, क्योंकि फिर वो कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग बना सकते हैं बड़ा साइज़ तो ज़रूर बनाएं। इस तरह से मैंने अपने सारे फ्रूट्स को अपनी स्टेम के साथ अटैच कर दिया है। ग्लू मैं अपर पोर्शन पे लगाऊंगी, अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया, ताकि थोड़ा सा हिले, अपनी जगह से बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए, बिल्कुल स्टिक ना हो जाए, थोड़ा सा हिले। एंड थोड़ा सा जिस तरह देखिए आप लोग लीव्स हिल रहे हैं तो कितना अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, तो फ्रूट्स भी हिलेंगे, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। इस तरह से मैंने सारे फ्रूट्स को अपनी स्टेम के साथ अटैच कर दिया है। तो अभी हमारी 3 चीज़ें हुई हैं, स्टेम बनानी है हम लोगों ने, लीव्स बना ली हैं एंड फ्रूट्स बना ली हैं। सो अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है फ्लावर। सो फ्लावर के लिए मैंने पिंक कलर चूज़ किया है, शॉकिंग पिंक। आप लोग कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी पिंक एंड कोई भी कलर, क्योंकि फ्लावर किसी भी कलर के हो सकते हैं। सो मैंने इस तरह के फ्लावर्स बनाए हैं, 3 फ्लावर्स मैं बना रही हूँ एंड मैं इन जो पार्ट्स हैं इनको मैं लेबल भी करूँगी। अगर आप लोगों ने ये फ्लावर वाला पार्ट लेबल नहीं करना तो आप लोग इन्हें बनाए भी ना, बट मैं इसे लेबल भी करूँगी इसलिए मैंने बनाया भी है। इस तरह से मैंने 3 फ्लावर्स बना लिए हैं। इस तरह से हमारा एक फ्लावर रेडी हुआ है एंड इसके इनर पार्ट को मैंने येलो कलर से, येलो कंप्यूटर शीट से किया। आप लोग इसे मार्कर से भी कर सकते हैं एंड इसकी आउटलाइन मैं ब्लैक परमानेंट मार्कर से कर रही हूँ, क्योंकि इसके जो पेटल्स हैं वो अलग-अलग शो नहीं हो रहे थे, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने परमानेंट मार्कर से किया है। आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं एंड आप लोग इसे पेंसिल से भी आउटलाइन कर सकते हैं, बट पेंसिल से वो ज़्यादा शो नहीं हो रही थी एंड मुझे शो करनी थी, सो इसलिए मैंने ब्लैक मार्कर से किया है एंड हमारा क्यूट सा फ्लावर रेडी हो गया है। इसको ग्लू की हेल्प से मैं अपनी जो स्टेम हम लोगों ने रेडी किया है उस पे लगा दूंगी। इसी तरह के मैंने 3 फ्लावर्स रेडी किए हैं, एज आई हैव टेल यू बिफोर कि मैंने 3 फ्लावर्स बनाए हैं, तो 3 फ्लावर्स ही मैं अटैच करूंगी ग्लू की हेल्प से, मैं अटैच कर रही हूँ। एंड जहाँ पर मैंने फ्लावर एंड लीव्स लगाए हैं वहाँ पर मैं अटैच नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो फिर गिचमिच हो जाएगा,
मैं अलग अलग स्पेसेस पे बना रही हूँ। मिडल में जो स्पेस है वहाँ पर मैं अपने फ्लावर्स को अटैच करूँगी। एंड अब आता है एक और पार्ट जो कि है बर्ड्स। बर्ड्स बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप लोगों की बुक्स में नहीं है। अगर आप लोगों का जो प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हैं स्कूल का ही प्रोजेक्ट होगा ऑब्वियसली, अगर आप लोगों की बुक्स में नहीं है बर्ड्स तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। बट मैंने इसका जो पार्ट है वो बनाना भी है एंड इसको लेबल भी करना है। इसको मैं कटर की हेल्प से कट आउट कर दूँगी। सेमी सर्कल में हमने करना है, सर्कल में नहीं करना। एंड इसको इस तरह से फिर हम लोग रोल कर लेंगे। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ईजीली रोल हो जाता है। एंड इसके स्पाइक्स को मैंने शो किया है। इसके बाद मैं ग्लू से इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको अटैच कर दूंगी एंड हमारा बर्ड भी रेडी हो गया है। मैंने एक पतली सी पैर ग्रीन कलर की एक स्ट्रिप ली है, उसके एंडिंग पॉइंट पे ग्लू अटैच किया है एंड अपने बर्ड के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरह के मैंने 3 बर्ड्स बनाए हैं, 3 to 4 बर्ड्स बनाए हैं। एंड फिर अपने स्टेम के साथ जो हम लोगों ने पहले रेडी की है जिसपे हम लोगों ने फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लगाए हैं उसी के साथ इन्हें अटैच कर दूंगी। अगर आप लोग बर्ड्स नहीं बना रहे हैं सो इट्स ओके, बिकॉज ये आप लोगों के स्कूल का प्रोजेक्ट है एंड आप लोगों की बुक पे डिपेंड करता है कि उसमें बर्ड्स हैं कि नहीं। अगर बर्ड्स शो हुए हैं तो आप लोग बनाएं, अगर नहीं हुए हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल पार्ट है, आप लोग नहीं भी बना सकते। सो इस तरह से मैं ग्लू अप्लाई कर रही हूँ अपर पार्ट में जस्ट स्टेम की एंड इसको अटैच करती जा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स एंड इसको इतने हिस्से से काट देंगे। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं अभी। इसको हम लोग पैरट ग्रीन कलर से कवर करेंगे। आप लोग इसे डार्क ग्रीन कलर से भी कवर कर सकते हैं। इस बॉक्स को आप लोग किसी भी कलर से कवर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ग्लू से अटैच कर दिया है, जल्दी से इसे कवर कर दिया है बिल्कुल नीटली सा। उसके बाद मैंने ली है वाइट कलर की शीट, मेरे पास ब्राउन कलर की शीट नहीं थी इसलिए मैं वाइट कलर की शीट ली है एंड इसके अंदर मैं रूट्स ड्रॉ करके ब्राउन कलर करूँगी। अगर आप लोगों के पास ब्राउन कलर की शीट है सो आप लोग वो यूज़ करें। सो रूट्स बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोगों ने अगर आप लोग ड्राइंग में मास्टर नहीं भी हैं तो भी रूट्स आप लोग बना सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजीली। एंड इवन अगर एक प्लांट है टोमेटो का, उन टोमेटो के 2 प्लांट्स हैं उन दोनों की भी रूट सेम नहीं होगी, हर प्लांट की अलग-अलग रूट्स होती हैं। सो रूट्स हम लोग बना लेंगे जल्दी से। जो हम लोगों ने कार्डबोर्ड का अभी बॉक्स कट आउट किया है वो भी हम लोगों ने रूट्स के लिए ही कट की है, क्योंकि रूट अगर हम लोग बनाएंगे कार्डबोर्ड के बगैर तो वो अच्छा सा एक इफेक्ट नहीं आ पाएगा जो एक कार्डबोर्ड की हेल्प से आ सकता है, बॉक्स की हेल्प से आ सकता है। एंड उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा जो प्लांट है उसको एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर उसने खड़ा होना होगा तो वो अच्छे से खड़ा हो जाएगा उस बॉक्स की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने रूट्स अपनी ड्रॉ कर ली हैं एंड देन इसमें मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग ब्राउन मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्राउन कलर शीट है अगर आप लोगों के पास तो आप ब्राउन कलर शीट भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगी क्योंकि इसमें आप लोगों की डबल मेहनत लगेगी। पहले आप लोग इसे कलर करेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर इसे कटआउट भी करना पड़ेगा। सो आई वुड रियली प्रेफर यू गाइस टू गो फॉर कलर शीट, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग वही यूज़ करें। इसके बाद मैं जल्दी से इसमें कलर कर लूँगी। इधर में से इसे कटआउट कर लिया मैंने। इसके साथ मैंने 2 साइड की रूट्स भी निकाली हैं, इसी तरह की हैं वो भी, बस थोड़ी सी मैंने पतली बनाई हैं इस तरह से। एंड इसके अपर पार्ट पे मैं ग्लू अप्लाई करूँगी एंड इन सारी स्टेम्स को मैं आपस में स्टिक कर लूँगी दोनों साइड से। एंड दिस इज़ द, ये इसका फ़ायदा है, ये जो मैंने अभी कट आउट किए हैं पतली सी, इन दोनों को मैं अच्छे से कर लूँगी। एंड ऊपर का जो पार्ट है, जो हमारी मिडल रूट है उसका ऊपर का जो पार्ट है उसको मैं करूँगी फोल्ड। एंड अपनी जो बॉक्स था, अभी हम लोगों ने बॉक्स जो रेडी किया था उसके साथ कर लूँगी अटैच ग्लू की हेल्प से। आप लोग टेप की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को इजी लगे वे उसकी हेल्प से आप कर लें। इस तरह से मैंने उस पर ग्लू अप्लाई की है एंड अपना जो बॉक्स है उसके साथ अटैच कर दिया है लाइक दिस। सो ये एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आ रहा है कि ऐसे लग रहा है कि वो ज़मीन के नीचे है हमारा जो रूट्स हैं। उसके बाद मैंने ले लिया जो स्टेम हम लोगों ने रेडी की थी, उसमें हम लोगों ने बर्ड्स लगाए थे, फ्लावर्स लगाए थे, फ्रूट्स लगाए थे, लीव्स लगाए थे, वो लिया है। इसके नीचे वाले पार्ट पे मैं लगाऊंगी ग्लू एंड ज़्यादा सारी ग्लू लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसको अटैच करना अपने बॉक्स के साथ। एंड देन इसको अपने बॉक्स के साथ अटैच कर दूँगी।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस था बस, बट यही एक हार्ड हार्ड चीज़ थी, काफ़ी मुश्किल चीज़ थी, इसको बस स्टेबल रखना। उसके बाद ये है हमारी फाइनल लुक, नहीं अभी फाइनल लुक नहीं है ये, इसको अभी मैं आप लोगों को लेबल करके भी दिखाऊंगी, इस पर मैं अभी अपनी नेम लिखूंगी क्योंकि ये एज प्रोजेक्ट है स्कूल का। सो ये फिर पता नहीं चलेगा ये कि किसने बनाया है, मैंने बनाया है। सो इसलिए मैं इसको सारा जो इसके पार्ट्स हैं उनको मैं लेबल भी करूँगी, अपना नेम भी लिखूंगी, एंड फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो सारे पार्ट्स के नाम अटैच कर देने के बाद दिस इज़ व्हाट द फाइनल पीस विल लुक लाइक। मैंने अपना नेम एंड क्लास एंड सेक्शन भी लिख दिया है, रूट्स को भी मैंने सारा फ्रूट फ्लावर बर्ड स्टेम सबको मैंने लेबल कर दिया है। एंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।